मेरे श्रोता बंधुओं, महाराज परीक्षित ने कहा कि माली सुबह होने दो, सुबह होते ही मैं उस सूकर का वध कर दूंगा, क्योंकि शाम के समय किसी का वध नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे द्वार पर शत्रु भी आ जाए तो उसे भी बैठने के लिए आसन देना चाहिए। महाराज परीक्षित ने ऐसा कहकर माली को भेज दिया और सुबह होते ही महाराज हरिश्चंद अपने सैनिकों को साथ लेकर जब बगिया में आए तो सूकर इधर उधर घूम रहा था। उस सूकर का पीछा करते करते महाराज हरिश्चंद काफी दूर निकल गए। विश्वामित्र तो सूकर का रूप बनाए घूम रहे थे। जब काफी दूर महाराज हरिश्चंद निकल गए तो सूकर से तुरंत विश्वामित्र बन गए। और जब महाराज हरिश्चंद ने विश्वामित्र जी को देखा तो प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आपने किसी सूकर को यहाँ से जाता हुआ देखा है? तो विश्वामित्र कहने लगे कि मैंने किसी भी सूकर को यहाँ से जाता हुआ नहीं देखा, और कहा कि मुझे आप महाराज हरिश्चंद्र नजर आ रहे हैं। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, पूरे संसार में आप सत्यवादी के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो एक बार कह देते हैं वो करके ही रहते हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि आपने बिल्कुल सही सुना है। विश्वामित्र कहने लगे कि तब तो मैं भी आपसे कुछ मांगूंगा, और कहा